यूक्रेन दे विच हजारां भारतीय विद्यार्थी फसे हुए ने। इन्हां दे विच जलंधर दा कारण भी शामिल है। कारण 3 साल पहला यूक्रेन गया सी ते हुण परिवार ने मदद की गुहार लाई है। जी भाई बहुत टेंशन है सानू, बच्चे साडे उत्थे भुखे भाणे बैठे, पानी दाणी दा भी हुण ते बहुत भाजी साडे लई तमाश घड़ी है। ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ? ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਇੱਧਰ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਲਾਈਟ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਭਾਜੀ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਨਿਆਣੇ? 2-3 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਕੁ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਓ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਖੜੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ? ਹਾਂਜੀ ਅਰਦਾਸ ਭਾਅ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾਈਦੀ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਯੂਕਰੇਨ ਮੇ MBBS ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਸੇ ਵਹਾਂ ਹੈ, ਵੋ ਥਰਡ ਈਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਕਾ, 7th semester ਮੇ MBBS ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਭੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਆਪਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੋਈ ਥੀ, ਕੈਸੇ? हाँ बेटे से बात हो रही है, जो बता रहा है कि वो इस वक्त अंडरग्राउंड हैं, जो वो बेसमेंट बने हुए हैं उसके फ्लैट के नीचे, उनके हैं उसके साथ 3-4 और लड़के हैं, तो उनको जो गाइडलाइन मिलती है उनके उसके हिसाब से बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। किस तरह के हालात है वहाँ? बम्बारमेंट हो रही है या वो दूर बैठे हैं? यहाँ वो बैठे हैं, उनको आवाज़ सुनती है बम्बारमेंट की, तो उनको पता चलता है कि बम्बारमेंट हो रही है। वैसे काफ़ी देर से वो कहते हैं यहाँ शांति सुनने को आ रही है। तो मन में कैसा चलता है? हालांकि बेटी ने कहा होगा, संतुष्टि जताई होगी कि वो ठीक है, तो क्या बताया उसने और क्या चल रहा है? देखिए यदि वो बाहर इस वक्त मुश्किल में है तो हमें शांति तो मिलेगी नहीं, मन में तो हर वक्त ये चलता है कि वो मुश्किल में है। जब तक वो यहाँ हमारे पास आ नहीं जाते तो हमारा मन शांत नहीं हो सकता। ये हालात एकदम से नहीं बने, क्या हुआ था कि यूनिवर्सिटी ने उनको वहीं रोके रखा था या क्या हुआ था, थोड़ा सा बता दीजिए। जब से भी हमने टीवी पर कोई ये खबरें सुनी, हम डेली बेटों को कहते हैं तुम आ जाओ, वो बोलते थे कि हमें यूनिवर्सिटी ये नहीं बोल रही कि आपकी जो पढ़ाई ऑनलाइन हो जाएगी, यदि यूनिवर्सिटी ये बोल दे तो हम इंडिया वापस आएंगे। लास्ट वीक उसने अपनी टिकट बुक करा दी थी, आज के दिन वहाँ से चलना था, लेकिन फ्लैट्स बंद हो जाने करके वो नहीं आ सका। तो अभी वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं या अभी रोका हुआ है उनको? उनको रोका गया है, उनके साथ जो हमारे एजेंट्स थे जो लेके गए थे उनके साथ हैं, उन वो गाइड करते हैं कब कहाँ जाना है। अगर उन्होंने बाय रोड निकलना हो वहाँ से तो कैसे निकल सकते? बॉर्डर कौन सा पास है, कितनी दूर है वो बॉर्डर? उनके पास बॉर्डर बहुत रशिया बॉर्डर पर हैं, बाहर निकलने के यदि सुन रहे हैं जो दूसरे कंट्रीज जिन्हें किसी भी कंट्री में जाना हो तो कम से कम 12-14 घंटे उनको चाहिए वहाँ जाने के लिए बाय रोड। तो अभी बात हुई थी तो लास्ट बात क्या हुई, वो क्या बता रही? हाँ लास्ट बात तो यही है, यहाँ हम रुके हुए हैं, जब तक हमें कोई नया ऑर्डर नहीं आता हम बाहर नहीं निकलेंगे। सरकार को क्या अपील करेंगे? मैं सरकार को बेनती करता हूं कि हमारे बच्चे और सभी बच्चों को यहां लाने के लिए प्रॉपर जो रास्ता बनता है जो भी सही है उसको जल्दी से जल्दी निपटा दिया जाए, हमारे बच्चों को हमारे पास जल्दी से जल्दी भेज दिया जाए। हम देख रहे हैं कुछ मीडिया खबरों में भी ओवरऑल देख रहे हैं, तो जो यहाँ पे आपके चेहरे पर शिकन है, परिवार को चिंतन है, लेकिन बच्चे कॉन्फिडेंट है, वो कहते हैं आप थोड़ा ध्यान रखो, इसको लेके आप क्या कहते हैं? बच्चे
ये सोचते हैं कि हम उनकी चिंता करते हैं, वो सामने जब आते हैं तब अपना अच्छा चेहरा दिखाते हैं, लेकिन दूसरे बच्चे यदि बात करते हैं तो वो ये शो करते हैं कि बच्चा टेंशन में है। फिलहाल हुण समा एक ब्रेक दा, ते ब्रेक तो बाद करनाल दे शिवम दी कहानी सुनांगे। पंजाब ते पंजाबीयत दा परछावा, पंजाबी साडियां बावां, एबीपी सांझा। हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते डाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। एबीपी सांझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नूं अज ही संपर्क करो। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।